चंडीगढ़ ने जो हमारा स्वागत किया है हेलो भैया, निकल चुके हैं अपने सफर पर। थोड़ा लेट हो गए निकलना, सुबह 4 बजे था, निकल शाम को 3 बजे रहे हैं काम के चक्कर में, पर अपना सफर शुरू हो चुका है। आहा, गाड़ी में इतना ज्यादा वजन हो चुका है कि गाड़ी आगे से उठने लग गई है, पर ठीक है चलते हैं, सफर को शुरू करा जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल राइडर राजबना में। अभी नाम चेंज कर दिया अपने, राजबना व्लॉग्स कर दिया, सॉरी भूल गया था मैं। अपने साथ अपने दो भाई और हैं, मामा जी के लड़के हैं। तो जो ड्रीम राइड सोच रखे थे अजमेर टू लद्दाख ऑन रॉयल एनफील्ड बुलेट, वो शुरू हो गई है अब हमारी। पहले इतनी गर्मी लग रही थी, जैसे ही सफ़र चालू हुआ सफ़र की खुशी में गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है, गर्मी गायब। खुशी इतनी है कि अभी गर्मी क्या कर लेगी इसमें, खुशी बहुत है ना। अब इतनी खुशी रहेगी तो गर्मी का क्या है, गर्मी तो ठीक है यार। वो दवाइयों के लिए बोला था, मैं बाहर खड़ा था सर। हाँ सर, मैं आ गया था फार्मेसी। ठीक है सर, थैंक यू। जयपुर से करीब 30-35 किलोमीटर आगे आ गए हैं। नहीं संजय भैया, हो गया हो गया, बंद कर दी बंद कर दी। और बस थकान से होने लग गए इतनी जल्दी हमको, तो थोड़ा 1-1.5 घंटा और गाड़ी चलाएंगे, फिर कोई अच्छी सी होटल देख करके और सो जाएंगे। करीब 12 बजे, कॉफ़ी वगैरह का टाइम, कॉफ़ी पी रहे हैं अभी, तो थोड़ी थकान सी होने लग गई थी, अब देखते हैं। सुबह उठेंगे, टाइम सोचा हुआ है 4 बजे का, पर देखते हैं नींद कब खुलती है, उस हिसाब से फिर उठेंगे और रवाना हो जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। रोहतक पहुंच चुके और बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, पूरी रात भर गाड़ी चला के थक चुके हैं। अयो ये देखो शक्लें कैसी हो गई सबकी, बाकी सफर का मजा आया भाई, एक नंबर मजा तो आ गया। शानदार सूरज उगते हुए रोहतक टोल पर पहुंच चुके हैं, और रात भर गाड़ी चला चला करके, और अभी भी चंडीगढ़ करीबन 200 से ऊपर ही है, गोप्रो की बैटरी भी खत्म। चंडीगढ़ जाने से पहले तूफान, बारिश, सब चीज़ों ने पहले ही हमारा स्वागत कर लिया। अभी देखो चंडीगढ़ जाते जाते और क्या होता है, जैकेट पहनने पे मजबूर कर दिया था रात को सर्दी ने। 3 बजे के आसपास बहुत तेज़ सर्दी थी, चंडीगढ़ 220 किलोमीटर। चलो मिलते हैं आगे। हो सुहाना सफ़र है ये मौसम, क्या खूबसूरत सुबह है रोहतांग, ये रोहतक की, रोहतांग नहीं, रोहतांग तो पता नहीं कब जाऊँगा, अभी तो रोहतक में है। और शानदार सुबह, चारों तरफ धुंध हो रखी है और जैसा, और हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है।
रात को तो बताया ही था मैंने आपको हालत कैसे ख़राब हुई थी। तूफान, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, पर अभी सब बढ़िया है। शानदार नज़ारा बादलों का, आप मज़ा लो रोड का और मैं मज़ा लेता हूँ राइड का। पटक आइए बिन कान कड़ी पे। अब चंडीगढ़ बचा है यहाँ से 185 किलोमीटर। पहली वीडियो है अजमेर टू लद्दाख के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शानदार सूर्य उदय का मज़ा लो और शानदार राइड का भी। चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ ने जो हमारा स्वागत किया है बारिश के साथ में, वही क्या ही बताएं। चंडीगढ़ पहुंचे नहीं उससे पहले ही करीबन 25-30 किलोमीटर से बारिश जो चालू हुई है। मतलब देखो भाई, बाइक पर राइड करते हुए फिर बारिश में नहाते हुए मजा आ गया। सबसे बड़ी बात, हमने सोचा था चंडीगढ़ से पहले बारिश नहीं आएगी, तो जो भी सेफ्टी करनी थी बैग वगैरह की, हमने सोचा चंडीगढ़ में करेंगे, पर पहले ही बारिश आ गई। ना हमने रेनकोट पहने थे ना कुछ ऐसा, तो ठीक है। पहला दिन मतलब जो टेंशन या जो आना था वो सब आ गया पहले दिन ही। तो मजा आ गया राइडिंग का। हाँ, राइडिंग का पूरा मजा आ गया। और तो राइडिंग भी हमने 14 घंटे रेगुलर राइड करा है पूरी रात। कल 6 बजे शुरू हुए थे शाम को और अभी चंडीगढ़ पहुंचे हम, बस नहा धोकर के और आपके सामने, क्योंकि हम पहले भी आपको बता सकते थे लेकिन हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि कैमरे के सामने आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। आए, नहाए, फ्रेश फ्रेश हुए, फिर हमने कहा चलो से बात कर लेते हैं आप लोगों से थोड़ी बहुत, और वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। तो सोएंगे आज, चंडीगढ़ ही रुकेंगे, कल सुबह मनाली के लिए निकलेंगे, थोड़ी शॉपिंग करनी है चंडीगढ़ से। तो कल का व्लॉग कल आएगा, ये आज शाम तक आ जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये मेरा भाई संजय, बाकी दो दोस्त और हैं वो दूसरे रूम में हैं, तो मैं उनसे भी मिलाता हूँ मैं आपको कल। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय।